कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि जोशी के नेतृत्व में 7 जुलाई को आज पवित्र नगरी हरिद्वार से 22,000 लीटर गंगा जल टैंकरों के द्वारा खरगोन नगरी में लाया गया। वह नगर में गंगा यात्रा निकालने के पश्चात श्रावण माह में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए गंगा जल व प्रसादी खरगोन नगर व आसपास से आई धर्म प्रेमी जनता में वितरित की गई। संवाददाता जयपाल मीणा की खबर आज की आवाज। महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्व कार्यात सिद्धये वज्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिमग्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकारेषु सर्वदा भूर्भुवः स्वः सिद्धबुद्धे सहित चन्द्रमन महागणाधिपतये नमो नमः। गंगायै नमो नमः। यमुनायै नमो नमः। नर्मदायै नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षतां समर्पयामि। हाथ जोड़कर नमस्कार करना है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। सचिव पुरंदराभ्याम नमः। मातृभ्यो कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। एतत् प्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय स्वकीयाय सवाहनाय भगवते गजाननाय नमो नमः। भगवते ओंकारेश्वराय नमो नमः। भगवते ममलेश्वराय नमो नमः। भगवते नर्मदा देव्यै नमो नमः। भगवते गंगायै नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। हस्ते अष्टांग ग्रहितवाथ गंगा ध्यानं वा गंगा से प्रथम बार पहला प्रयास हुआ कि हरिद्वार से गंगा जल लाके लाए और आज शहर के अंदर आने वाले श्रावण मास के पवित्र माह में शहर की जनता पूरे महीने भर गंगा जी के जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करे, ये इच्छा थी। आज जो उल्लास उत्साह खरगोन की धर्म प्रेमी जनता और आसपास के क्षेत्र के लोगों में देखने को मिला कि अगले वर्ष ये बड़ा एक स्वरूप ले लेगा ये कार्यक्रम। एक टैंकर 22,000 लीटर गंगा जल आया है। वितरण आप लोग देख रहे हैं। शिव मंदिरों की कई समितियां स्वतः ही आके गंगा जल ले जा रही है। धर्म प्रेमी जनता गंगा जल ले जा रही है। बड़े उत्साह का वातावरण देखने को मिला है। क्षेत्र की जनता खरगोन नगर की जनता को मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत साधुवाद करता हूँ कि बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम को गंगा जल की रथ यात्रा को गोग्र मंदिर से गणेश मंदिर तक लाए और गंगा जल का यहाँ पूजन किया। उसके बाद महाआरती हुई और गंगा जल की वितरण की व्यवस्था सुचारू बेहतरीन तरीके से संपन्न हो रही है। आप लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ भोजन व्यवस्था भी सब लोगों के लिए यहाँ करी गई है। प्रसादी की पूरी व्यवस्था है। सारे लोग घर पर देवी चलता है। इसमें इससे श्रावण मास के पहले जो वितरित किया गया था श्रावण मास के अभिषेक के लिए श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ का हम चाहते हैं कि खरगोन नगर के जितने शिव मंदिर हैं जब उनमें इसी गंगा जल से श्रावण मास भर अभिषेक होता रहे और खरगोन नगर में जो 84 शिवलिंग के दर्शन के लिए अभिषेक करते हैं जो लोग निकलते हैं हम चाहते हैं गंगा जल वो भी इसी गंगा जल से 84 शिवलिंग का अभिषेक करे और खरगोन नगर में जो लोग इससे वंचित रह जाएंगे उनको हमारा प्रयास होगा कि उन सब लोगों को हम घर घर पहुँच के गंगा जल को आपने धार्मिक आयोजन किया है और क्या लगता है आपको आप कोई कामना को लेकर कर रहे हैं दीवार की एक
निर्माण की कामना के लिए है। बारिश नहीं हो रही है बहुत दिनों से। हमारी इच्छा है कि खरगोन निर्माणवासी सुख समृद्धि और शांति के लिए हमारी ये गंगा जल की यात्रा आज का कार्यक्रम निर्माण की उन्नति के लिए कोशिश है। आज जो उत्साह देखने को मिला, आने वाले वर्षों में इसको और एक टैंकर की जगह हमको दो से तीन टैंकरों की व्यवस्था करना पड़ेगी। निवाड़ अंचल में बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण है।